अस्सलाम वालेकुम जी। हम चैप्टर 3 में से देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें ना यहाँ से करने वाली हैं। सबसे पहले तो क्या है, इंट्रोडक्शन टू एक्सरसाइज थेरेपी। तो एक्सरसाइज थेरेपी की आपको डेफिनेशन आनी चाहिए, चैप्टर का जो नेम है उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना कि आप क्या पढ़ने जा रहे हो। एक्सरसाइज थेरेपी का आपको पता होना चाहिए। देन उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कि एम्स ऑफ एक्सरसाइज थेरेपी क्या होते हैं, वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स जितने भी पॉइंट्स हैं, मतलब 3 पॉइंट्स हैं, तो वो आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। उसके बाद फिर हमारे पास जो है ना आ जाती हैं टेक्निक्स ऑफ दी एक्सरसाइज थेरेपी, और इसको भी आपने देख लेना है कि एक्टिव मूवमेंट्स क्या होती हैं, वॉलेंट्री मूवमेंट्स और इनवॉलेंट्री मूवमेंट, असिस्टेड रेजिस्टेड, ठीक है, फ्री असिस्टेड रेजिस्टेड, ये भी आप अगले चैप्टर में पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 4 में इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ोगे। तो ये टेक्निक्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें हैं। इसके अलावा हम आगे बात कर लेते हैं पॉस्चर। पॉस्चर का तो अभी पूरा चैप्टर है ना, आपको वो रटना ही पड़ेगा, लाजमी तौर पर रटना पड़ेगा, उसको आप छोड़ नहीं सकते हो। ठीक है, तो पॉस्चर की इसकी आपको डेफिनेशन आनी चाहिए। पैसिव मूवमेंट होती क्या है, एक्टिव मूवमेंट होती क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। और फिर हम बात कर लेते हैं आगे, बस इसको आप ना पढ़ लेना, ठीक है, ये क्या है, इसमें ऐसी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई क्वेश्चन तो खैर अब तक कोई नहीं बना, रीड कर लेना। फिर हम आगे देख लेते हैं अप्रोच टू दी पेशेंट्स प्रॉब्लम। चलो ये अभी फ़िलहाल कोई काम की बातें नहीं है, ये आपकी इंटरेस्ट है तो फिर आप देख सकते हो कि आपको किस तरह से जो है ना आप भाई कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को क्या मसला है, क्या प्रॉब्लम है। तो ये सारी ऑब्जर्वेशन आप किस तरह से करते हो, वो आप उसको पढ़ने के लिए ये पैराग्राफ है, पता चल जाएगा आपको। दैन उसके बाद सब मेथड्स ऑफ टेस्टिंग है करिकुलम के हवाले से ना। आप देखो, अब नहीं पता ना कि आप लोगों का कौन सा, हर एक का डिफरेंट होता है। मेथड ऑफ टेस्टिंग वैसे इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, ये मेथड्स ऑफ टेस्टिंग ना इंपॉर्टेंट है। अब आपसे वो पूछ सकते हैं कि फंक्शनल टेस्ट में होता क्या है, आप किस तरह से वो करते हो। इसके अलावा टेस्ट फॉर द जॉइंट रेंज है, ये भी बायोमैकेनिक्स में आपको सिखाया भी जाता है कि जॉइंट रेंज किस तरह से मेजर की जाती है, गोनियोमीटर का कैसे इस्तेमाल होता है, ये सारी चीज़ें हैं। और टेस्ट फॉर द न्यूरोमस्कुलर एफिशिएंसी, इलेक्ट्रिकल और मैनुअल मसल टेस्टिंग की तो हर पूरी बुक है MMT की, ठीक है, तो उसके तो आपने काफ़ी सारे प्रैक्टिकल्स वगैरह किए हुए हैं, तो ये वहाँ से बातें आ जाती हैं। उसके बाद नीचे हमारे पास आ जाते हैं ग्रेड्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ग्रेड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये तो आपको रटे हुए होने चाहिए ना कि ग्रेड 0 में क्या होती है, 1 में क्या होता है, 2 में क्या होता है, 3 में क्या होता है, ठीक है। तो ये सारे आपको ग्रेड्स अच्छे से आने चाहिए। देन हमारे पास और इसमें क्या आ रहा है, फिर वही बात है ना, देखो टेस्टों की बात चलिए, डायनामिक पावर टेस्ट क्या होता है, एंड्योरेंस टेस्ट क्या होता है, टेस्ट आपको सारे के सारे आने चाहिए, ये बात हो गई। अच्छा, उसके बाद इसमें क्या है, बस वही टेस्ट ही हैं। और इसमें मतलब जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वही है कि ग्रेड, ये मेरा आप गंद देख रहे हो कितना मरा हुआ है, तो ये मैंने ग्रेड्स को ही अच्छे से याद किया हुआ है। तो आपने ग्रेड्स को देख लेना है, कितनी मूवमेंट होती है, कितनी कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे हम जज करते हैं। अच्छा, इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही मेरी बकवास ना पढ़ें, इसको मैं ऐसे कर देती हूँ। तो बस आप सुन लो कि ग्रेड्स आपको बहरहाल ना आने चाहिए अच्छी तरह से, ये आपको MMT में भी आप याद करोगे, सिर्फ फर्स्ट ईयर में नहीं है, ये आपको सारी पूरे 5 साल DPT के लिए इंपॉर्टेंट हैं। और अभी तो आप रिफ्लेक्सेस के